फेंकूंगा। अभी झाड़ू लगाया जाता है, झाड़ू लगाने को लगभग हो गया, अभी थोड़ा बहुत बाकी है। अभी मैं 10 बजे से मतलब लगा रहा हूँ झाड़ू, उससे पहले साफ सफाई को कचरा था फेंक रहा था, उसको बराबर कर रहा था। अभी लगभग झाड़ू लगा लिया, अभी थोड़ा बहुत बाकी है वो भी लगा देता हूँ दोस्तों। उसका बाद अभी लंच टाइम से ज़्यादा भी हो गया, अभी टाइम नहीं है उसको और उठाने के लिए। जगह जगह झाड़ू लगा के कचरा रखा है, उसको सब उठाना है अभी दोस्तों। अभी लंच टाइम का बाद जो भी करेंगे, अभी थोड़ा नहा धोना है, खाना खाना है, बाद में साफ सफाई करके थोड़ा रेस्ट करेंगे। बाद में लंच टाइम का बाद रेस्ट का बाद आके उसको थोड़ा सफाई करके क्लीन करके उठा देंगे। बाद में इसको धोया जाएगा, घर साफ सफाई ये हमारा फार्म है, अच्छा से धोया धोया जाएगा। बाद में ब्लीचिंग चूना उसको मिला के और ब्लीचिंग किया जाएगा। कैसे किया जाएगा मैं सब दिखाऊंगा। अभी झाड़ू मार रहा हूँ, देखिए झाड़ू लगाने के बाद क्या होगा मैं बताऊंगा। दोस्तों अभी थक जाता है 10 बजे से, अभी 1 बजने वाला, 1 बज रहा है। नॉन स्टॉप झाड़ू मार के उसको बराबर रख रहा हूँ, जैसे कि देखिए मतलब फुटका हो जाता हाथ में ना, ऐसे हो गया और फाट भी गया, पानी भी निकल गया उससे। और दोस्तों बता रहा हूँ इसमें बहुत मेहनत हुआ, अभी आज साफ सफाई ज्यादा के लिए कर लूंगा, कल उसके बाद में दूसरा काम है दोस्तों। अभी जितना जल्दी करूंगा उतना जल्दी अभी मुर्गी का बच्चा आ जाएगा, क्योंकि ना एक आदमी भी आ रहा है दोस्तों, आदमी आएगा तो इसमें खटिया डालेंगे, इसी में सोएगा और एक तरफ मुर्गी रहेगा। अभी बच्चा तब तक घर बन जाएगा, जब मुर्गी थोड़ा बड़ा होगा चारों तरफ रहेगा ना, तब तक घर बन जाएगा, घर में कोई आदमी रहेगा वो देखभाल करेगा और इसमें पूरा बच्चा जब बड़ा होगा धीरे धीरे जगह बढ़ाते जाएंगे ना। एक साथ में दोस्तों बच्चा आएगा तो नहीं पूरा एरिया छोड़ दो घूमते रहेगा, ऐसा नहीं। उसके लिए अलग बोर्डिंग किया जाएगा, जैसे कि एक एक बोर्डिंग मतलब गोल से गोल का किया जाएगा और टीन लगा के उसका अंदर लाइट दिया जाएगा, वो बच्चा उसका अंदर रहेगा 7 से 10 दिन तक। 10 दिन के बाद उसको थोड़ा जगह बढ़ाया जाएगा और 2-4 दिन 5 दिन रहेगा, फिर और थोड़ा जगह बढ़ाया जाएगा। ऐसे जब महीना हो जाएगा तब तक पूरा जगह में वो रहेगा मुर्गी, तब 33-34 दिन में मुर्गी उठा लेगा, ऐसा होता है दोस्तों। मतलब 33-34 दिन में मुर्गी उठा लेते हैं लगभग, लेकिन साफ सफाई को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। साफ सफाई में ब्लीचिंग और चूना का जरूरी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ना वो बैक्टीरिया से मर जाएगा, बाद में शुद्ध बन जाएगा, तो इसके लिए वो चाहिए। और चूना और गर्म करके पूरा मतलब पानी पानी करके उस टाइम दे देंगे ना ब्लीचिंग उसमें गोल की, तो वो जितना भी बैक्टीरिया मर जाएंगे इसका अंदर जो वास होगा वो भी जो भी कीटाणु है सब खत्म हो जाएंगे, पूरा शुद्ध हो जाएगा दोस्तों, ऐसे करना चाहिए। और दोस्तों मैं ऐसे झाड़ू लगा रहा हूँ, बहुत मेहनत करके अभी काम खत्म कर रहा हूँ और उसका साथ वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। कुछ भी बनता है आप लोग को भाई को मदद करने के लिए, अगर वीडियो लगा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। और दोस्तों
और चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो थोड़ा शेयर कीजिए फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर में शेयर कीजिए या जैसे कि अलग अलग मतलब सोशल मीडिया में शेयर कीजिए क्योंकि ना मेरा वीडियो थोड़ा वायरल हो पाए। अभी के लिए खुश रहिए मस्त रहिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।